हमारे सारे बिहार के बच्चे हैं, सभी अपने बच्चे हैं, और मेरा एक ही प्राथमिकता है कि यहाँ से जो भी अच्छे खिलाड़ी हो वो सिलेक्शन हो और हमारे बिहार के लिए जो नेशनल मैच होगा वहाँ से मेडल लाकर हमारे बिहार के लिए, तभी हमारे लिए बिहार का नाम होगा जब हमारे नेशनल में बिहार के लिए मेडल। हमारे जो प्रेसिडेंट है अमित शाह, हमारे जनरल सेक्रेटरी कौशल सर, हमारे ट्रेजर है संजीत सर, सभी हमारे एसोसिएशन के मेंबर का एक ही कहना है कि जो भी बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, जो जेन्युइन मैच होना चाहिए, जो जीत रहे हैं उन्हीं को जीत मतलब जो जीत रहे हैं जेन्युइन उन्हीं को जीतना चाहिए, नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, जो जीत रहा है उन्हीं को जिताना। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। अभी हम उपस्थित हैं पटना में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के सहायक सेक्रेटरी हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि कराटे में जितने भी लोग आज पार्टिसिपेट किए हैं आज के गेम में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले केवल भारत टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे गेम में बहुमूल्य समय निकाल के आए, और आज जो हमारा 7th बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप हो रहा है हितैषी पुस्तकालय पटना सिटी में, जिसमें बिहार के हर एक ज़िले से खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं बढ़ चढ़ कर, और ये जो स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है इसका एक ही मोटो है कि यहाँ से बिहार से बच्चों को निकाल कर जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है उसको दिल्ली में जो नेशनल टूर्नामेंट होगा उसमें यहाँ से बच्चों को, यहाँ से जो भी सिलेक्शन होगा उसको वहाँ पे पार्टिसिपेट कराना। मतलब जितने भी बच्चे यहाँ से गोल्ड मेडल लाएंगे उनको, या फिर जितने भी यहाँ से सिलेक्ट होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्लेस वाले को, या फिर गोल्ड मेडल वाले को देखिए अधिक सबसे पहले गोल्ड मेडल का ही प्राथमिकता दिया जाता है। अगर भाई देवे अगर गोल्ड मेडल नहीं जाते हैं तो हमारे उसके बिहाफ में सिल्वर मेडल जाते हैं, अगर सिल्वर मेडल नहीं जाते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल वाले जाते हैं। अच्छा, किसी बात तबियत खराब हो जाते हैं या किसी काम से अगर नहीं जा पाते हैं तो उसके जगह दूसरा जो भी उसके बॉट में गोल्ड मेडल अगर नहीं जाते हैं तो सिल्वर मेडल वाले जाते हैं और वो नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। आपके बच्चे यहाँ खेलते होंगे ना? देखिए यहाँ हमारे सारे बिहार के बच्चे हैं, सभी अपने बच्चे हैं, और मेरा एक ही प्राथमिकता है कि यहाँ से जो भी अच्छे खिलाड़ी हो वो सिलेक्शन हो और हमारे बिहार के लिए जो नेशनल मैच होगा वहाँ से मेडल लाकर हमारे बिहार के लिए, तभी हमारे लिए बिहार का नाम होगा जब हमारे नेशनल में बिहार के लिए मेडल आएगा। बताया जाता है कि जो भी चैंपियनशिप होता है उसमें कहीं ना कहीं जो सीनियर कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जज होते हैं, जो रेफरी होते हैं, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं गलत पॉइंट देकर, गलत डिसीजन देकर अपने बच्चे को मतलब फ्रंट पर खड़ा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो ट्रेडिशनल ट्रांजिशन बिहार है यहाँ तक तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब मैं एक ही बात, हमारे जो प्रेसिडेंट है अमित शाह, हमारे जनरल सेक्रेटरी कौशल सर, हमारे ट्रेजर है संजीत सर, सभी हमारे एसोसिएशन के मेंबर का एक ही कहना है कि जो भी बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, जो जेन्युइन मैच होना चाहिए, जो जीत रहे हैं उन्हीं को जीत मतलब जो जीत रहे हैं जेन्युइन उन्हीं को जीतना चाहिए, कोई भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, जो जीत रहे हैं उन्हीं को जिताना है, बस मेरा एक ही सिद्धांत है, ताकि ऐसे बच्चे मतलब अच्छे बच्चे यहाँ से चुना के जाएंगे मिस्र में तभी हमारे बिहार का मेडल आएगा। अगर हम यहाँ से गलत करके भेजते हैं मतलब कमजोर बच्चे के भेजेंगे तो मेडल कभी नहीं आएगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, अच्छे बच्चे जाएंगे और दिल्ली से मेडल आएगा। परिचय सर, मेरा नाम विकास सिंह राठौर, असिस्टेंट ट्रेजर बिहार, ट्रेडिशनल कराटे बिहार। चलिए विकास सर, आपको इतना के आप हमारे चैनल को दिए, मैं मैं आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी टूर्नामेंट होगा आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।